गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं यहाँ पे आप सबके साथ ब्यूटीफुल सा ब्राइडल मेकअप लुक करने वाली हूँ, जिसके लिए सबसे पहले मैंने बालों को टाई कर लिया है। इसके बाद मैं टोनर लगा रही हूँ गुड वाइब्स ब्रांड का। इसके बाद अपने लिप्स को मॉइस्चराइज मैंने कर लिया है बिलोरा पेरिस का। यहाँ पे मैंने मॉइस्चराइजर लिया है अपने पूरे फेस पे अप्लाई करने के लिए। अगर आप ब्राइडल लुक कर रहे हो तो मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी स्किन के लिए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे ये बहुत प्यारी सी मेबलिन की क्रीम लगाई है, और ये इससे ना एक यू नो ड्यूई फिनिश आएगी आपके मेकअप में, जो कि ब्राइडल्स पे बहुत सुंदर लगती है। तो इसे अच्छे से फेस एंड नेक पे मैंने अप्लाई कर लिया। आफ्टर दैट मैंने मेबलिन का ही यहाँ पे प्राइमर लिया है। सारे ही प्रोडक्ट्स के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। सो ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक है जो कि आप घर पर ही खुद कर सकते हो। रेड इन कलर बहुत सुंदर है साड़ी का, तो आगे चल के आप पूरा ब्राइडल लुक देखोगे ना, बहुत सुंदर लगेगा। इसके बाद एन वाई बे का मैंने ग्रीन करेक्टर लिया है। तो यहाँ पे मेरे हल्का सा मेरे को पिंपल्स की प्रॉब्लम लग रही थी मेरे चीक्स एंड माउथ के अराउंड। इसके बाद मैंने यहाँ पे मिलानी का फाउंडेशन लिया है। इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन, जो कि बहुत सुंदर फाउंडेशन है और काफ़ी अच्छे से ये आपके फेस पे स्टे भी करेगा और बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता है इसकी मेन चीज़। इस तरीके से पूरे फेस पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है। अगर आप मेकअप में बिगिनर हो डेफिनेटली इस लुक को ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। एन वाई बे का मैंने यहाँ पे कंसीलर लिया है और इसे मैं फेस पे हाइलाइटेड एरियाज पे अप्लाई कर रही हूँ। बी एस मॉल की यहाँ पे मैं ब्रशेज यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडिंग मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपका मेकअप अच्छे से ब्लेंड होगा दैट मीन आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे इनसाइड का ये लूज पाउडर लिया है, जिसे मैं पूरे फेस को बेक कर रही हूँ। इसके बाद ये फेस पे छोड़ दिया और यहाँ पे मियोन का मैंने पैलेट लिया है और इस तरीके से फेस को उससे कॉन्टोर करना शुरू कर दिया है। बेसिकली फेस मेरा फ्लैट हो गया था यू नो फाउंडेशन लगाने के बाद, तो इसे एक स्कल्प लुक आया बहुत सुंदर सा एज यू कैन सी। तो यहाँ पे पूरे फेस पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ इस तरीके हाइलाइटेड एरियाज पे। ओके, सो नोज़ को भी मैं कॉन्टोर कर रही हूँ, जिससे मेरी नोज़ थोड़ी सी शार्प हो जाएगी, एंड एज वेल एज फोरहेड पे भी आपको करना है। इसके बाद मैंने एक बड़ा सा बफिंग ब्रश ले लिया है और इसे मैं इस तरीके से जो मैंने पाउडर लगाया था उसको पूरा सेट कर रही हूँ। फेस के साथ साथ नेक को कभी भी अवॉइड मत करना, ठीक है। इस तरीके से मैंने इसको कर लिया एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अब मेरी आँखों की बारी आ गई, मतलब आईब्रोज की। आईब्रोज यार बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको ना ज़्यादा ओवर नहीं करना है, बिल्कुल लाइट जितना करोगे ना अपनी जितनी आपके आईब्रोज है, कभी थिक दिखाने के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा यू नो ओवर कर लो तो अच्छा नहीं लगता। सो यहाँ पे मैंने वेट इन वाइल्ड का ये पैलेट यूज़ किया है। इट्स अ ब्यूटीफुल पैलेट, मेरा ऑल टाइम फेवरेट पैलेट है गाइस ये। तो इस तरीके से इसे एक एंगल ब्रश की हेल्प से, जो कि ब्रश साथ में ही आती है पैलेट के, उसे मैंने अप्लाई कर लिया है। इसके बाद स्टे कुर्की का मैंने ब्लश यहाँ पे लिया। इट्स अ ड्यूअल ब्रश, दो ब्लश आपको इसमें मिल जाएंगे और अच्छे से मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज इट्स अ लाइट ब्रश, काफ़ी ज़्यादा ब्लश काफ़ी ज़्यादा कवरेज भी इसकी बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का यहाँ पे पैलेट यूज़ किया है आई मेकअप के लिए, एंड एक बफिंग ब्रश की हेल्प से सबसे पहले मैंने लाइट कलर चूज़ किया है, यहाँ पे ब्राउन सा कलर है, जिससे मैं यहाँ पे आपको साड़ी का कलर दिखा रही हूँ कि इससे ऑब्जेस्ट होकर मैं अपना यू नो मेकअप करने वाली हूँ। मेरा था कि मैं गोल्डन करूँ, लेकिन मैंने सोचा नहीं, मेरे को थोड़ा सा कलरफुल करना चाहिए, जो कि रिसेप्शन वगैरह पर बहुत सुंदर लगता है। और अगर आपको किसी और तरह का भी लुक चाहिए तो मुझे कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। एंड यस गाइज, आप इसे करवा चौथ आने वाला है, करवा चौथ पे या फिर आपका ब्राइडल यू नो मेकअप है उसमें आप शादी के टाइम यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप इसको अपने रिसेप्शन पे यूज़ करते हैं और किसी भी पार्टी फंक्शन में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक मेकअप को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑरेंज एंड रेड कलर लिया है। फर्स्ट मैंने रेड कलर अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने ऑरेंज कलर लिया है। देन अपने फिंगर टिप की हेल्प से एक गोल्डन कलर को पिक किया है और इस तरीके से आईलिड पे मैंने इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे आईज मेकअप बहुत सिंपल में डिसेंट सा लुक चाहती थी, क्योंकि चटक भटकना बहुत ओवर नहीं करना था मेरे को एक्चुअली। तो इस तरीके से मैंने इसको अप्लाई कर लिया। इसके बाद ML ब्रांड की ये मेरे पास काजल थी, जो कि मैंने पहले लगाई थी, लेकिन मैंने देखा यार ये मेरी आंखों पे सूट नहीं हो रही है। देन इसके बाद मैंने स्टे कुर्की के यहाँ पे काजल ली थी और उसको अप्लाई करना मैंने स्टार्ट कर दिया था। और मेरे को थोड़ा सा ना थिक टाइप में काजल लगाना बहुत पसंद है। तो या गाइस, इसके बाद मैं यहाँ पे आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, यार ये जो मैंने लैशेस ली है ना भाई साहब, मैग्नेटिक लैशेस, बहुत दी मनी है। मैंने 700-800 की ली थी। हर चीज़ के लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। इसके साथ आपको लाइनर मिलता है। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पे लाइनर से लाइन क्रिएट करनी शुरू कर दी। आपको अलग से लाइनर लेने की भी एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इसको ड्राई करना है, 2-3 टाइम्स अप्लाई करना है। जब तक ये ड्राई हो रहा है मैंने यहाँ पे मेबलिन का अपना मस्कारा भी लगा लिया है। सारा ही मेकअप मेरा वाटर प्रूफ है, इस तरीके से मैंने इसको पूरा यू
नो लैशेस को कर्ल करने के लिए लगा लिया है। और जब तक ये मेरा जो ये लाइनर था ये सूख जाएगा, और इसके बाद में इसमें बहुत सारी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि किस तरह की लैशेस आपको लगानी है। तो ऑब्वियसली इट्स अ ब्राइडल मेकअप, तो मेरे को थोड़ी सी हाई वॉल्यूम लैशेस चाहिए थी और ये एकदम से चिपक गई यार। इसके बाद एल ए गर्ल का मैंने यहाँ पे ग्लिटर लिया है, अगर मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, अदरवाइज आप स्विस ब्यूटी का भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने इसको इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई कर लिया है, एंड आफ्टर दैट लोअर लैश लाइन पे यहाँ पे मैंने ऑरेंज शेड पिक किया है, और इस तरीके से एक स्मजिंग ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर रही हूँ इस तरीके से। आफ्टर दैट मिलानी का मैंने सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर लिया है, जिससे मेरा मेकअप लॉन्ग लास्टिंग स्टे रहेगा। इसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी की मैंने रेड कलर की बहुत ब्यूटीफुल सी लिपस्टिक ली है, और इट्स मैट लिपस्टिक, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हट जाएगी। इसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे हाईलाइटर पिक किया है, और अपने हाईलाइटेड एरियाज पे मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, बिकॉज इट्स अ स्पेशल मेकअप जो कि वेडिंग स्पेशल है या फिर पार्टी फंक्शन में आप कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने किया। आफ्टर दैट एक ब्यूटीफुल सी छोटी सी बिंदी मैंने लगाई है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ये ज्वेलरी वेयर की है, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ली थी। अगर आपको इसका अलग से रिव्यू देखना है तो वो आपको कल देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आप कल का वेट कीजिएगा। तो इसके बाद ना गाइस ये मैंने बहुत कम प्राइस में लाइक 290 something की मैंने ली है, और यहाँ पे झुमका देखो कितने सुंदर हैं। इसके बाद यहाँ पे इस तरीके का ये सेट है, लाइक मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको गोल्डन कलर की लाइक गोल्डन टाइप की गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है ना रॉयल मेकअप लुक में जाती है ये, तो इस तरह का आपको कुछ लेना है तो यार ब्राइडल में तो आई थिंक बहुत ज़्यादा सही है ये। तो इस तरीके से दूसरा लंबे वाला सेट हो गया इसमें। आफ्टर दैट मेरे पास ये रेड चूड़ी है मेरी, जो कि मैंने अपने करवा चौथ पे ली थी। तो ये मैंने बैंगल्स यहाँ पे पहन लिए हैं, मैंने मीशो से लिए थे, इनका भी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ब्लाउज इज़ ऑल्सो फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो मैं उसका लिंक डाल दूंगी। साड़ी मेरी फ्लिपकार्ट से है, नथ मेरी शादी टाइम की रखी थी, मैंने वो वाली वेयर की है, एंड जो हेयर एक्सेसरीज है सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे लिंक्स। सो या गाइस यहाँ पर मेरा मेकअप लुक डन होता है। सो मैंने ये रेड कलर का ब्राइडल मेकअप लुक डन किया है इन ब्यूटीफुल सी रेड साड़ी। रियली होप करती हूँ आपको मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो इस लुक को आप अपने ब्राइडल पे भी कर सकते हैं, रिसेप्शन पे भी कर सकते हैं, करवा चौथ आ रहा है इनफैक्ट उसमें भी कर सकते हैं, दिवाली वगैरह फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गया है, आप डेफिनेटली ज़रूर ट्राई करना। सो मैं मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।